लोग भैरव बाबा मंदिर के समीप किस लिए गए थे? जी, दर्शन करने गए। दर्शन करने गए थे। तो अच्छा, दर्शन करते समय आप वहां पे कैसे, क्या घूमने, झरने टाइप का कहाँ गए थे झरने में, बताओ पानी थोड़ा। रहता है झरने का, जी तो हम लोग गए। जी फिर हम लोगों के साथ अपराधियां, पहले एक अपराधी आया, फिर जी सामने से चार अपराधी आए। फिर जी हम लोगों से पूछे क्या कर रही हो, कैसे आ रही हो। हमने बताया, फिर मारने लगे, किसे मारने लगे? और फिर पांच लोग थे, फिर तीन लोग को और बुला लिया, आठ लोग हो गए। फिर तीन लोग मेरे पति को पकड़े थे और पांच लोग मेरे साथ उसके साथ ही गलत थे। हाँ, तो जब आपके पति को बंधक बना लिया गया था, उसके बाद आपके साथ गलत किया था क्या? इसके बाद आप, ये आपकी घटना 21 अक्टूबर की थी, आपने पुलिस की सूचना कब दी? घटना 21 अक्टूबर की थी। हम पुलिस को सूचना 22 अक्टूबर की थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आपने 22 अक्टूबर को पुलिस को सूचना दी? हम आए, मेरा पति, हम लोग डर के मारे किसी से नहीं बताए। डर व लज्जा के कारण हम लोग किसी से नहीं बताए। फिर रात में मेरे पति बड़े भैया को बताए, अपने जी और अपनी माँ को बताए। जी फिर बड़े भैया निर्णय लिए कि यदि हम छोड़ देते हैं तो ये कल और किसी के साथ भी हो सकता है। फिर हम लोगों के घर वालों को बहुत सपोर्ट था हमारे पीछे। फिर अब क्या, हम लोग सब लोग थाना गए। फिर हम लोग साथ रिपोर्ट FIR दर्ज। फिर उसके खिलाफ पुलिस हम लोगों का बहुत सहयोग। घटना जी घटना में कितने आरोपी थे? 8 आरोप। 8 आरोपी। पुलिस प्रशासन का आपके साथ कैसा रवैया रहा? बहुत अच्छा रवैया था सर। जी। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या आपको जानकारी है? गिरफ्तारी तो 7 लोगों को हम लोग को पता है अभी, और एक का वो मतलब भाग गया। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। जी, इस वक्त हम पीड़िता के घर में हैं। पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी है कि उनके साथ किस तरह से गलत काम किया गया है, जी, जो कि पीड़िता ने स्वयं बताया है। इसके बाद हमने पुलिस प्रशासन से जानकारी ली थी, जो कि रीवा SP ने जानकारी दी थी कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से एक आरोपी छत्तीसगढ़ भाग गया है, जिसे कल छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर रीवा लाया गया है। आशुतोष, क्या ये भी हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जो पीड़िता है वो अपराधी को पहले से जानती थी, या इस तरीके से उनको धमका के, डरा के पहले से भी कभी उनको रीच आउट किया गया है? क्या आपको किसी भी प्रकार से, आपकी कोई भी अपराधी को पहले से जानती थी? मैं नहीं जानती। कभी भी क्या किसी अपराधी ने आपका पीछा किया था? कभी नहीं किया। जी बिल्कुल, पीड़िता द्वारा बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से अपराधियों की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। वो मंदिर में दर्शन के लिए गई थी और वहां बने झरने के पास अपने पति के साथ घूमने के लिए चली गई, जहां पे ये आठों अपराधी पहले से ही, आठों अपराधी पहले से ही वहां पे पार्टी कर रहे हैं। ऑल राइट, एज वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज इन फैक्ट अनदर शॉकर कमिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, वेयर द विक्टिम वॉज गैंग रेप्ड बाय एटलीस्ट 8 मेन आफ्टर शी वॉज आउट फॉर अ विजिट टू द टेम्पल विद हर हस्बैंड। एंड इन फैक्ट नाउ द पुलिस हैज In fact, arrested the accused, the 7 out of 8. One has now been left for Chhattisgarh. But at this point of time, questions remain unanswered as to the authorities and the police administration, in fact, who have not been able to comply with the coordination over the law and order, leading to such kind of atrocities. And in the latest, another gang rape, as we have heard in an exclusive conversation from the victim herself, who has narrated the ordeal to my correspondent. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.